हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मनाजिस मेन्यू। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल स्नैक आइटम, जो है नमकीन चिवड़ा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है चिवड़ा, यानी कि चुड़वा, हाफ किलो ये चुड़वा हमने लिया है, बहुत ही थिन पतला सा चिवड़ा है। उसके साथ हमने लिया है मूंगफली दाना फुटाना, ड्राई कोकोनट और थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ी सी जो है रेड चिली, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर। जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैंने लिए हैं वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है खुला बर्तन, आप खुला बर्तन लें ताकि मिक्स करने में जो है आसानी हो। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून, ऑयल के गर्म होते ही इसमें ऐड कर देंगे राई, हाफ टी स्पून राई मैंने इसमें डाला है। राई के चटपटाते ही इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली। तो सबसे पहले मूंगफली ऐड कर लें, क्योंकि कच्चापन जाने तक इसको फ्राई करना है, इसलिए पहले जो है मूंगफली ऐड करें। फ्लेम को मीडियम ही रखें, जब हल्का सा मूंगफली का कलर चेंज हो इस तरह से, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट। कोकोनट को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का सा लाल होने तक। इस तरह से जब कोकोनट हल्का सा फ्राई हो जाए, उसमें ऐड कर देंगे फुटाना, करी पत्ता और ड्राई रेड चिली। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे लो फ्लेम पर ही, इसको फ्राई करते हुए पकाएं। इस तरह से जब सारा जो है सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो जाएं, क्रिस्पी होने लगें, तब फ्लेम को बहुत ही लो कर दें और उसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले ऐड करते ही फौरन ही इसमें ऐड कर देंगे चिवड़ा, क्योंकि सूखे मसाले जो है बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, अगर वो जल गए तो फ्लेवर जो है चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से आप इसमें चिवड़ा ऐड कर दें और इसको अच्छे से हल्के हाथ इस तरह से मिक्स करें, ताकि सारा मसाला जो है अच्छे से कोट हो जाए चिवड़े पर। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे फ्रेंड्स और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से खुला छोड़ दें ताकि अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, फ्राई किए हुए काजू। और ये है हमारा चिवड़ा बनकर तैयार। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से घर पर आप ये नमकीन चिवड़ा बना सकते हैं। बाज़ार से अगर आप ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगा जो है चिवड़ा मिलता है, तो इस तरह से घर पर बहुत ही आसानी से आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो ट्राई ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज़।